तो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीवे। मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर अभी हम करेंगे आज का एक्सप्लेनेशन, जो कि होने वाला है ब्रूट एपिसोड नंबर 23 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो एक शॉर्ट इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि सुसुनो की मदद से वो साकुरा को ढूंढने जाते हैं और यहाँ पर वो एक अजीब सी बर्फ़ जैसी जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे शीन होते हैं उन्होंने साकुरा को घेर रखा होता है और एक बड़ा वाला शीन कहता है कि अब तुम मरने वाली हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटे वाले शीन के हाथ में बहुत बड़ी बड़ी अजीब से वेपन्स होते हैं और ये बड़ा वाला शीन भी अपने अजीब से नाइफ्स अपने हाथ को चिपका लेता है। और साकुरा कहती है कि तुम्हें मारने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, तो कोई बात नहीं, चलो अब ये फाइट स्टार्ट करते हैं। और साकुरा ज़मीन पे बहुत ज़ोर से बुक्का मारती है जिस पंच के कारण ज़मीन में बहुत सारी दरार पड़ जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और गाइस हम यहाँ पर देखते हैं कि साकुरा कहती है कि इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, पर अब देखो मेरी ताकत। और यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि आप पीछे से यहाँ पर बहुत बड़े धमाके होते हैं और ऊपर के सब जो मलबा होता है वो नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर सारा था कहती है कि मॉम क्या ठीक होगी, मुझे नहीं लगता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे शीन यहाँ पर उतर आते हैं और मतलब ये शीन के बहुत सारे क्लोन्स होते हैं और वो नरूटो को देखते रहते हैं। यहाँ पर चोचो कहती है कि मैं क्या करूँ, तो नरूटो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊँगा, कोई बात मत लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छोटा शीन होता है उसको नरूटो फाइट करके साइड में डाल देता है, पर अचानक से दूसरा शीन आकर उसको मारने लगता है। साकुरा यहाँ पर नीचे सरक कर आगे बढ़ती है और कहती है कि माफ़ करना, मैं जा रही हूँ। तो चोचो कहती है कहाँ पर, तो ये कहती है कि मुझे मेरे मॉम को बचाना है इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। और फिर यहाँ पर नरूटो कहता है कि जाओ सासुके, जाओ तुम्हारी बेटी के पीछे जाओ, कोई भी खतरे में ना पड़ जाए। और यहाँ पर चोचो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये मार डालेंगे, हाँ मैं तो मोटी हूँ, मुझे क्या करूँ। और फिर यहाँ पर नरूटो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊँगा, तुम टेंशन मत लो चोचो। और फिर चोचो कहती है क्या सच में, थैंक यू लॉर्ड सेवेंथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो देखता है कि अब तो बहुत सारे क्लोन्स हैं, अब क्या करूँ। और फिर चोचो कहती है कि हाँ मेरे साइड से भी दो तीन क्लोन हैं, अब क्या करें। तो फिर नरूटो कहता है कि अब देखो मेरा मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और वो अपना मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है। अंदर यहाँ पर साकुरा वर्सेस शिन चालू, तो शीन यहाँ पर साकुरा के ऊपर हमला करता है, पर साकुरा भी उससे बचकर उसको डॉच कर लेती है। और फिर ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, तो साकुरा उसको पंच मारने लगती है पर उस साकुरा को पकड़ लेता है और हवा में फेंक देता है। पर साकुरा अपने को बैलेंस करके बहुत सारे पंच मार के उसके पूरी बिल्डिंग तोड़ देती है और साकुरा यहाँ पर ऊपर चल जाती है। फिर ये भी ऊपर चलकर अपने सारे ब्लेड साकुरा के ऊपर ला लेता है, पर साकुरा उससे डॉच हो जाती है और ये कहता है कि अब देखो मेरा शुरिकेन, और वो अपना शुरिकेन साकुरा के ऊपर फेंकता है, पर साकुरा पानी में जा गिरती है और उस शुरिकेन के बहुत सारे ब्लेड पानी में जाते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और यहाँ पर साकुरा फिर से ऊपर आकर ऊपर चढ़ने लगती है और फिर जो शीन होता है वो भी उसके पीछे आता है अपने हाथों से चढ़कर। और यहाँ पर साकुरा कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो यहाँ पर चिपकी हुई होती है और वो बड़ा सा पिलर तोड़कर उसके ऊपर फेंकती है। और यहाँ पर वो पिलर बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद उसके ऊपर लगता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर ये शीन उसे रोक नहीं पाता और फिर वहाँ से सटक कर नीचे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो नीचे गिर रहा था उसके पीछे एक पेपर बॉम्ब था जो कि बाद में फट जाता है और उसे वो समझ भी नहीं आता कि यह पेपर बॉम्ब यहाँ पे आया कैसे, पर वो साकुरा ने लगाया होता है और वो इस देखकर उसके आगे फट जाती है। और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है फिर से एक बार, पर यह धमाका बहुत एक्सप्लोजिव होता है और बहुत डेंजरस होता है। साकुरा कहती है कि देखा क्या मेरा दिमाग। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शीन होता है वो नीचे गिरता है पर उसकी ब्लेड्स भी साकुरा के ऊपर आने लगती है, इसलिए साकुरा अपने बैलेंस छोड़ देती है और नीचे पानी में जा गिरती है। और पानी में गिरने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर साकुरा को ब्लेड नहीं लगते और क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत अंदर चली गई थी। यहाँ पर सारादा अंदर भागते हुए आती है, तभी उसके ऊपर कुनाई आती है पर सासुके उसके सामने आ जाता है और उस कुनाई को पकड़ लेता है और उसको ऑटोमेटिक अपनी ताकत से गायब कर देता है। और साकुरा की बेटी सारादा कहती है कि मुझे बचाओ, पर हम देखते हैं कि साकुरा को आगे मतलब सारादा को आगे दिखता है कि उसका पिता सासुके यहाँ पर आ गया है और फिर भी वो उस पर नाराज़ होती है, इसलिए उसको कुछ थैंक यू वगैरह नहीं बोलती। और यहाँ पर फिर से अंदर साकुरा और शीन की फाइट चालू होती है। वो शीन उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेड फेंकता है पर उसे एक भी नहीं लगती, बस दो ब्लेड उसके बाएं बाजू पर लग जाती है और वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहता है
मतलब इसके जो बाकी शारिंगन होते हैं वो हिलने लगते हैं, मतलब ऐसा मतलब उसके अलर्ट हो जाता है कि कोई ना कोई अपने अंदर आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुरा के ऊपर वो बहुत बड़ी कुनाई इसका जो चेन होती है वो फेंकता है, और उस चेन से अचानक ही एक शुरिकन बन जाता है और वो शुरिकन सीधा साकुरा की तरफ आता है, पर सास के बीच में आ जाता है और उस शुरिकन को वापस से उस चेन के ऊपर फेंकता है, शिन का पैर कट जाता है। ये देखकर शारदा भी हैरान होती है, और वो बाद में जो साकुरा है उसके पास आती है और कहती है कि मॉम आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, और फिर वो देखती है कि ये ब्लेड साकुरा के हाथ पे लगे हुए है। और तभी वहाँ पर सास्के आता है और कहता है कि इसमें कुछ नहीं होगा, और वो ब्लेड अपने हाथ से निकाल लेता है और अपनी पावर से उन ब्लेड को गायब कर देता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिन गिरा होता है उसके पैर पर लगा होता है, क्योंकि सास्के ने उसको बहुत उसकी बहुत बुरी हालत की होती है, उसका पैर एक कट जाता है और फिर वो नीचे पड़ा हुआ होता है। और जब सास्के उसके सामने आता है तो वो कहता है कि मैं अभी भी नहीं हारा हूँ सास्के, और फिर सास्के कहता है हार मान जाओ शिन, और फिर शिन कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा इतनी जल्दी। और फिर हम देखते हैं कि तभी सास्के अपनी तलवार निकाल लेता है तो उसके सामने उसका बेटा छोटा शिन आ जाता है और कहता है कि मैं मेरे पापा को मरने नहीं दूंगा, उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तो सास्के कहता है कि मैं नरूटो जैसा भोला नहीं हूँ या उसके जैसा नरम दिल नहीं हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, साइड में हो जाओ जल्दी। तो वो लड़का साइड में नहीं होता, फिर सास्के अपनी स्वॉर्ड ऊपर लाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तुम हट जाओ, फिर भी नहीं सुनता। फिर सास्के अपनी तलवार ऊपर लाता है और कहता है अभी मेरा आखिरी डिसीजन है, और वो अपना स्वॉर्ड बहुत तेज से नीचे लगता है। तभी बाद में ये लड़का आंखें बंद कर लेता है और डर जाता है, और फिर साकुरा पीछे चिल्लाती है सास्के ऐसा मत करो, और फिर शारदा भी कहती है हाँ डैड ऐसा मत करो। तो सास्के अचानक से सास्के की आंखें बड़ी हो जाती है और वो रुक जाता है, पर शिन के पेट मतलब शिन के मुंह में से खून निकलने लगता है, पर क्यों। और फिर हम देखते हैं इसकी सास्के की आंखें बंद होती है, सास्के को बहुत दर्द होने लगता है, वो अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंक देता है बहुत तेज़ी से, और वो भी नीचे बैठ जाता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे होता ये है कि ये जो बड़ा शिन होता है वो अपने बेटे के पेट को चीर कर सास्के के पेट में अपनी जो नाइफ से वो डाल देता है, जिसके कारण सास्के को भी बहुत दर्द होता है और उसका बेटा बीच में ही मर जाता है। तो गाइस ऐसा कौन करता है यार अपने बेटे के साथ, पर ऐसा इस शिन ने किया। और फिर हम देखते हैं कि सास्के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने बेटे के साथ, हाँ बताओ मुझे। और फिर सास्के कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर ये कहता है हाँ ऐसा हुआ है, देखो तुम हार गए सास्के और मैं जीत गया। और फिर वो हंसने लगता है और नीचे उसका बेटा शिन मर गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि ये खड़ा होता है, कहता है कि हे साकुरा तुम भी शांत बैठ जाओ, अभी हिली तो मैं तुमको भी मार दूंगा, इसीलिए सब एक जगह पर बैठ जाओ। पर साकुरा नहीं सुनती और वो कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, और सास्के भी पता है सास्के को क्या करना है। और फिर ये कहता है क्या क्या करना है किसको, शांत बैठ ज़्यादा बकबक मत कर। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा आगे भागने लगती है, तभी उसके ऊपर ये शिन कुनाई फेंकने लगता है, पर सास्के अपनी रेनेगन से एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिक यूज़ करता है और रिप्लेसमेंट हो जाता है, मतलब सास्के की जगह पर साकुरा आ जाती है और साकुरा की जगह पर सास्के आ जाता है। और फिर साकुरा जब सास्के की जगह पर आती है तो वो बड़ा सा पंच लेके आती है और कहती है कि ये ले साले, और वो उसके मुंह पर बहुत तेज से पंच मारती है और कहती है इस पंच से तुझे ऐसा एहसास होगा कि मतलब बता ही मत। और फिर गाइस कि शिन के मुँह से ऐसी आवाज़ निकलती है पंच खाने के बाद, आप खुद ही सुन लो। और फिर ये जोरदार पंच खाने के बाद वो नीचे गिर जाता है, और साकुरा भी इतना लड़ने के बाद थक जाती है और वो कहती है कि अब तू हार गया है तू उठ नहीं सकता। और फिर अचानक से साकुरा भी नीचे धड़ाम से गिर जाती है, फिर शारदा पीछे से आती है और कहती है कि मॉम, और फिर उसको पकड़ लेती है। और यहाँ पर नरूटो फाइट करता रहता है इन छोटे शिन से, तो तभी ये शिन अचानक से एक एक करके गायब होने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अंदर जाना होगा, और अचानक से सारे शिन चले जाते हैं। फिर नरूटो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ, फिर चोचो उससे पूछती है तो नरूटो कहता है कि शायद सास्के ने अंदर की सिचुएशन हैंडल कर ली है तो चलो हमें भी अंदर जाना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला शिन होता है वो पीछे पीछे खींचा चला जाता है, और सास्के कहता है कि ऐसा क्या हो रहा है, तो शिन कहता है कि अब मेरे छोटे शिन तुम्हें रोक लेंगे, तब तक मैं ठीक होते रहूँगा मतलब खुद को हील करते रहूँगा, हाँ हाँ यही मेरा टाइम है, जाओ मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों इनको सबक सिखाओ। और अचानक से हम देखते हैं कि शिन को कोई मार देता है, और वो कोई और नहीं होता उसके सारे क्लोन्स होते हैं जो सभी तरफ से शिन के पेट में अपनी बड़ी बड़ी कुनाइज डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है गाइस यहाँ पर, और फिर ये कहता है कि इतनी बड़ी गद्दारी ऐसा कोई नहीं मारा होगा अब तक। और फिर ये दोनों उसको देखते रहते हैं कि ऐसा मतलब कितना खतरनाक हुआ है यहाँ पर। और एक छोटे शिन कहते हैं कि पापा आप में अभी ताकत नहीं है, और आप हमारे जो मिशन है अपना मिशन उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए, तो आपका मिशन हम
कर लेंगे पूरा, आपका आपकी कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, आप मर जाओ। और ये शिन होते हैं वो अपने खुद अपने क्लोन्स बना लेते हैं, पर उनको ठीक से क्लोन बनाते नहीं आते, इसलिए कोई पतले कोई बड़े और कोई बहुत मोटे बन जाते हैं। और यहाँ पर ये बड़ा शिन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये कहता है कि अब आपका मिशन हम कैरी करके आगे बढ़ाएंगे, तो आप अभी शांति से सो सकते हो, चल मर साले। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे शिन होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं, नरूटो और उसकी टीम पर। तो तभी नरूटो आता है और कहता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, और वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है, और मल्टी शैडो क्लोन करने के बाद वो भी और नरूटो के क्लोन्स भी आगे बढ़ते हैं, और उनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो तभी पीछे से एक बड़ा सा हाथ आता है, और हम देखते हैं कि यह हाथ भी छोटे वाले शिन का ही होता है, पर वो उसका क्लोन बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि गाइस ये छोटे वाले शिन को क्लोन्स बनाते नहीं आते, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए वो कैसे वैसे करके क्लोन बना लेते हैं। और ये शिन भी मतलब इसका हाथ भी इतना बड़ा हो जाता है कि ये नरूटो के ऊपर लगने वाला होता है, पर नरूटो का लकी है जिसके कारण वो साइड में होकर बच जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा वाला शिन होता है, मतलब उसकी साइज़ बड़ी होती है, वो असल में छोटा वाला होता है, वो यहाँ पर नरूटो के ऊपर हमला करता है, पर सास्के का सुसानो उसके मुंह पर पंच मारता है, जिसके कारण वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि सुसानो भी बहुत ताकतवर है, और ये देखकर इन तीनों के आगे फटी की फटी रह जाती है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बड़ा वाला शिन नीचे गिर जाता है, और पीछे से वो सूखा बॉम्बे मतलब वो बैंगन आ जाता है और कहता है कि मेरे बारे में तुम्हें तो सोचो, मैं भी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो शीन होता है बड़ा वाला जिसका पेड़ कटा होता है वो मर जाता है। और यहाँ पर साकुरा कहती है कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो बैंगन कहता है कि अब मैं मेरे मालिक को यहाँ से ले जाऊँगा और उसको ठीक कराऊँगा, तुम भी चलो मेरे साथ मेडिकल निंजा। और फिर सारा सोचती है कि मॉम आपको लेकर जा रहा है, फिर सारा मतलब साकुरा कहती है कि बेटी ये मुझे ले जा रहा है अपने डायमेंशन में अलग ही, जहाँ पर वो अपने मालिक को मुझसे ठीक कराएगा, मतलब वो उसको वापस से ठीक कराएगा। तभी वापस सारदा कहती है कि अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इसका मैं भरता ही बना दूंगी, असल में ये बैंगन ही तो है। और फिर वो उस पर हमला करने लगती है, फिर ये बैंगन उसके ऊपर कुनाई फेंकता है, पर वो कैसे वैसे करके अपने शारिंगन एक्टिवेट करती है और कुनाई इससे बचती है। और ये कहती है कि ये लो मेरा सुपरमैन पंच, जो मैं रोमन रिंग्स की फ़ैन हूँ। और फिर वो बहुत तेज़ी से उस बैंगन की तरफ आती है, और आगे का सीन आप देखिए, वो उस बैंगन का भरता बना देती है। अगर आपको खाना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो भी इतना बड़ा धमाका होता है कि यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, और वो बैंगन पता नहीं कहाँ पर चला जाता है। और नरूटो सोचता है कि कितनी हैप्पी एंडिंग हो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी ये भी विलन्स मर गए। तो भी अचानक एक शिन नरूटो के पेट में बहुत बड़ी कुनाई लेके आता है, पर नरूटो अपने रेड वाले चक्रा से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे तुमने मुझे गलत टाइम पे पंगा लिया। और फिर लड़का कहता है कि क्या, और फिर हम देखते हैं कि नरूटो की आंखें लाल हो जाती है और उसका बीस्ट बाहर आने लगता है। तभी ये लड़का डर जाता है और उसकी पतलून पीली हो जाती है और कहता है कि ये क्या हो गया। और फिर हम देखते हैं उसके सारे क्लोन्स को पीछे से कुरामा दिखता है, और फिर वो इसकी इतनी फट जाती है कि जब नरूटो के इतने क्लोन्स आ जाते हैं पीछे से, और फिर वो इतना डरता है कि कहता है मुझे माफ़ कर दो, हम अच्छे बनने के लिए तैयार है। और फिर सास्के कहता है कि नरूटो अभी भी नरम दिल है, और फिर ये कहता है ओके, तो ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम बुरे थे, ये तुम्हारे पाप की गलती थी, पर अब तुम ठीक हो गए हो, तो चलो अभी तुम हमारे विलेज चलोगे। और यहाँ पर ये देखते हैं किसकी ऐसी मौत होती है बेचारे की। और यहाँ पर चोचो शारदा से मिलती है और कहती है कि शारदा क्या तुम ठीक हो, तो चोचो कहती है कि शारदा ये क्या है, और फिर शारदा कहती है ये शारिंगन है बेवकूफ़। और गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर ये होता है एक एकेडमी, जहाँ पर ये सारे के सारे शिन के क्लोन्स आते हैं, और उनको एक टीचर लेक्चर देता रहता है कि बच्चों अब ये तुम्हारा घर है और सब कुछ यही है, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मेरा नाम है काबुटो, अब आज से तुम यही रहोगे। आगे यहाँ पर शारदा और चोचो आखिर में विलेज में आ ही जाते हैं, और फिर शारदा कहती है कि मुझे तुम्हारे पापा मम्मी मिल गए, क्या तुम्हें मिले चोचो, तो चोचो कहती है अभी तक तो नहीं मिले, देखना पड़ेगा आगे। और फिर वहाँ पे उसके रियल पापा जो कि होता है जोजी, वो उससे कहता है कि हे तुम बिना बताए चली गई थी मिशन को, मुझे बताया भी नहीं, क्या तुम ठीक हो ना, अच्छा हुआ तुमने पहला मिशन तुम्हारा अच्छी तरह से किया। फिर भी उसको लगता है कि शायद यही मेरे असली पापा हैं, क्योंकि वही मेरा हाथ था, मतलब ये उनका हाथ का टच वही था, सच में यही मेरे पापा है। फिर चोचो कहता है कि क्या बोल रही हो बेटी, फिर जोजी कहती है कि ओ माय गॉड पापा, तुम तो पापा हो मेरे, कोई बात नहीं चलो अब हम घर पे चलते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी टीम यहाँ पर लीफ विलेज में आ जाती है, और फिर शारदा कहती है हे हाय 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 नो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है वो अपने लैब में होती है और बहुत गुस्से में होती है, और फिर लड़का कहता है क्या हुआ तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो फिर ये लड़की है कहती है कि तुमने वो DNA जो शारदा के साथ मैच किया वो मेरा नहीं था, वो साकुरा का ही था समझे। और फिर
वो रियल मॉम उसकी मैं नहीं हूँ, वो शारदा ही है, मतलब साकुरा ही है शारदा की रियल मॉम। तुमने कैसे सोच दिया कि मैं हूँ? हाँ पागल, ये जो DNA रखा है यहाँ पर ये मेरा नहीं है, ये शारदा और सास्के का ही है, समझे पागल। और यहाँ पर ये उज्जिया की फैमिली खाना खाने के लिए बैठ जाती है, और खाना खाने के लिए बैठने के बाद जो शारदा होती है वो उसके मॉम से और उसके डैड से पूछती है मॉम के डैड जाने वाले हैं? तो फिर सास्के कहता है कि हाँ बेटा मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट मिशन है, वो मुझे कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर वो दिन मतलब वो टाइम आ जाता है जब सास्के को जाना पड़ता है, इसीलिए शारदा और साकुरा सास्के को छोड़ने के लिए विलेज के बाहर खड़े होते हैं। सास्के कहता है बेटी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर मुझे जाना होगा, और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि हम मिलेंगे कभी ना कभी फिर से एक बार। और फिर जो शारदा होती है वो कहती है बाय बाबा, और फिर यहाँ पर साकुरा कहती है कि मुझसे कुछ बात ही नहीं की और चले गए, और यहाँ पर वो टिफ़िन लेके चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाद में बुरुटो से शारदा बात करती है कि बुरुटो थैंक यू, तुमने मुझे टिफ़िन देने दिया जिससे कि मेरी बहुत सारी हेल्प हुई है। तो फिर शारदा कहती है कि अपने मैंने एक सोच एक ठान लिया है कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर नरुटो कहता है क्या करूँगी, डब्बे वाले बनूंगी। फिर शारदा कहती है बुरुटो को कि नहीं रे पागल, मैं होकागे बनूंगी, होकागे। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो गाइस मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर लाइक और कमेंट कीजिए, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।